हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंजीनियरिंग फॉर यू। आज हम ट्रांजिएंट एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है जिसपे लिखा हुआ है वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट अप्लाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट टी इक्वल टू 0 स्विच एस इज ओपन फाइंड बी नॉट टी फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक प्रॉब्लम आपने देखना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। क्लियर? इस टाइप की प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? देखिए यहाँ पे कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है? तो आपको टी लेस देन 0 के लिए सर्किट कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, उस केस में आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं होगी। कैसे मैं क्या चीज कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन के साथ देखिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको इनिशियल कंडीशन दूंगा तो उसका क्या डिफरेंस होगा, उसके साथ आपको इजीली इस कंसेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए, सबसे पहले आपको इनिशियल करंट पता होना चाहिए इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर, अगर वो प्रेजेंट है तो। क्लियर? क्योंकि जो ट्रांजिएंट आ रहा है मेनली ड्यू टू कैपेसिटर और इंडक्टर एंड ड्यू टू दिस स्विचिंग एक्शन। क्लियर? तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, एट टी लेस देन 0 हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है फॉर टी इक्वल टू 0 पे अगर ऑपरेशन हो रहा है। क्लियर? तो टी लेस देन 0 का मतलब क्या है, आपका स्टेडी स्टेट। और t इक्वल टू 0 पे आपका ट्रांजिएंट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और जब t इक्वल टू इनफिनाइट हो जाएगा वहां पे भी क्या हो जाएगी, आपकी स्टेडी स्टेट। इसके बिटवीन वाला जो इंटरवल होगा वो होगा आपका ट्रांजिएंट। क्लियर? और इसी चीज को हम लिख देते हैं t इज ग्रेटर देन 0 व्हेन स्विच एस इज ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑपरेट करने का मतलब जहां पे ओपन हो रही है, किसी केस में क्लोज हो रही होगी, एट टी इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 वो होता आपका स्टेडी स्टेट। क्लियर? तो अब देखते हैं यहां पे अप्लाई करेंगे ये वाला कंसेप्ट कैसे। अगर आपकी ये वाली स्विच t इक्वल टू 0 पे क्या हो रही है, ओपन, तो इसके पहले क्या रही होगी, क्लोज। इसका मतलब एट t लेस देन 0 के लिए आपकी जो स्विच है वो क्या रही होगी, स्विच s इज क्लोज। जो स्विच का ऑपरेशन है उसके अपोजिट के साथ आपने रिप्लेस कर देना, उसका नया सर्किट आपने ड्रॉ करना है। नया सर्किट का मतलब अब इस स्विच को क्या कर देंगे हम, क्लोज। और हमें पता है ये कौन सी कंडीशन आ गई, स्टेडी स्टेट। ये आपके पास आ गया स्टेडी स्टेट, और हमें ये भी पता है एट स्टेडी स्टेट आपका इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, और उसके थ्रू कितना करंट जा रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? आपका देखिए ये सर्किट है फॉर टी लेस देन 0 के लिए। टी लेस देन 0 के लिए मींस यहां पे जो आपका करंट आएगा वो आएगा आई 0 नेगेटिव। क्लियर है जी? तो अप्लाई केवीएल एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। यहां पे केवीएल लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, -6। ड्रॉप ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो +2 इंटू I 0 नेगेटिव इक्वल टू 0, तो I 0 नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 एम्पियर। क्लियर है भाई? तो हमें ये चीज पता है, करंट थ्रू द इंडक्टर कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, तो I 0 नेगेटिव इज इक्वल टू होएगा I 0 पॉजिटिव, दैट इज 3 एम्पियर। तो आपका जो T लेस देन वाला सर्किट है दैट इज यूज्ड ओनली फॉर फाइंड द इनिशियल वैल्यूज थ्रू इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इस सर्किट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं फॉर टी लेस देन 0। अगर नहीं गिवन तो ऐसे आपने इसको शॉर्ट कर देना है, अगर कैपेसिटर होता तो उसको ओपन कर देते, और ओपन करके उसके थ्रू अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर? तो इंडक्टर था, इंडक्टर को शॉर्ट करेंगे और कितना करंट फ्लो हो रहा है इनिशियली वो आपको पता चल गया, वही करंट आपके पास हो जाएगा टी 0 पॉजिटिव आप जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन। क्लियर? तो अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपने फाइंड आउट करना है एक्चुअल सर्किट फॉर t इज ग्रेटर देन 0। t इज ग्रेटर देन 0 के लिए स्विच आपकी क्या रही होगी, ओपन।
उस टाइम पे स्विच जी होगी जो आपकी वो हो रही होगी ओपन। ओपन करने का मतलब जी सोर्स आपका हट जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटाया और इंडक्टर आपका वापस आ जाएगा यहां पे, और इंडक्टर है 2 हेनरी। मान लीजिए करंट इस केस में आई टी फ्लो हो रहा है, क्लियर, करंट इज आई टी। तो जस्ट केवीएल अप्लाई कीजिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, 2i, तो आई टी ड्रॉप इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस 4i t प्लस 2i t प्लस, यहां पे क्या होगी वोल्टेज, एल डी आई वाई डी टी मीन्स 2 di/dt इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, 2 6 8 8 i t प्लस 2 di/dt इक्वल टू 0। टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे 8 का हो जाएगा 8 is प्लस 2, इसका क्या होता है भाई आपको पता है, एस एक्सएस, एक्सएस क्या है it, तो is हो जाएगा, माइनस i0 नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर पॉइंट। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, तो यहां पे देखिए आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लीजिए, 8 is प्लस 2 sis माइनस 2 i0 नेगेटिव। इस i0 नेगेटिव की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 3 एम्पियर। तो 3 और 2 के साथ जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0, जी 6 उस साइड चला जाएगा। तो यहां पे देखिए यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 कॉमन लिया तो जी हो जाएगा 4 is, और is भी कॉमन ले रहा हूं तो 4 प्लस s is इक्वल टू 6। ये 2 को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं तो is की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 / s प्लस 4। तो it की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो it की वैल्यू आ जाएगी 3e⁻⁴t। क्लियर है भाई। तो आपके पास it की वैल्यू आपको मिल गई। अगर it की वैल्यू आपको मिल गई है तो उस केस में आपने क्या फाइंड आउट करना है, इस v0t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर t इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, जो आपने सर्किट कंसीडर किया है फॉर t इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो होगा, ड्रॉप इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमें पता है जो ड्रॉप है उसकी पोलैरिटी और जो आपने वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसकी पोलैरिटी क्या भाई, अपोजिट, अपोजिट है तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर इंटू आई, आई कितना हो रहा है जी 2, रेजिस्टेंस इज 2, करंट इज आई टी, तो आंसर इज माइनस 2 × 3e⁻⁴t, दैट इज माइनस 6e⁻⁴t, दैट इज बी नॉट टी। सो दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है। अब हम इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं दूसरे मेथड से। क्लियर, दूसरा मेथड जो आपने देखा था, हमें पता है इस क्वेश्चन में जो आपकी सप्लाई थी वो डीसी सप्लाई थी। क्लियर, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बी नॉट टी लाप्लास की वजह से आपके पास अगर जे वाला मेथड अप्लाई करोगे तो जे वाला आंसर आ जाएगा। अब दूसरे मेथड से देखते हैं,
ये आपके पास क्वेश्चन था, क्लियर। और स्विच आप भी थी इक्वल टू जीरो पे क्या हो रही थी, ओपन, क्लियर। अब देखते हैं इसको हमने कैसे करना है, क्लियर। तो जहां पे भी वोल्ट सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वो होगी, क्लियर, ओके। अब देखते हैं उस मेथड से, उस मेथड के अकॉर्डिंग जो करंट था इंडक्टर के थ्रू किसी भी टाइम के ऊपर वो था I इनफिनाइट माइनस I जीरो नेगेटिव माइनस t बाई टाउ, वेयर टाउ इक्वल टू एल बाई आर, क्लियर। अब देखिए ये वाला जो करंट होगा I इनफिनाइट, ये भी स्टेडी स्टेट करंट होगा, I जीरो नेगेटिव दैट इज आल्सो स्टेडी स्टेट, बिकॉज t इक्वल टू जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है, स्विच के पहले, स्विच के पहले क्या रहा होगा आपका स्टेडी स्टेट, t इक्वल टू इनफिनाइट पे भी क्या रहा होगा, हाँ जी क्या रहा होगा स्टेडी स्टेट, क्लियर। तो आप देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में लिखा था आई जीरो नेगेटिव कैसे निकालना, सेम स्टेप को फॉलो करना है, क्लियर। इसको क्या कर देना है शॉर्ट सर्किट, और स्विच क्या रही होगी उस टाइम पे, सॉरी क्लोज, तो यहां पे आई जीरो नेगेटिव फाइंड आउट कर लेना, वो ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर रखा है दैट इज 3 एम्पियर। फिर सेकेंड स्टेप में आपने सर्किट को कंसिडर करना है स्टेप नंबर टू, फॉर टी इक्वल टू इनफिनाइट, हमें पता है टी इक्वल टू इनफिनाइट के लिए आपकी टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्या हो रही होगी, ओपन हो रही होगी, और टी इक्वल टू इनफिनाइट पे स्टेडी स्टेट होगी, और इंडक्टर आपका फिर क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जब हम कर देंगे तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई इनफिनाइट, क्लियर। तो ये सारी चीज हट जाएगी, आई इनफिनाइट की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी, केवीएल लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 into I infinite plus 4 I infinite plus 2 I infinite equal to 0, I infinite common आ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो 0 एम्पियर, या भी सर्किट में सोर्स नहीं होगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी 0, क्लियर है भाई। तो I infinite की वैल्यू आपको मिल गई, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। अब आपने फाइंड आउट करना है टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट एल बाई आर, क्लियर। जो आपका टाइम कांस्टेंट होता है वो ऑलवेज टी इक्वल टू इनफिनाइट वाले सर्किट का फाइंड आउट करना है, क्लियर। टी इक्वल टू इनफिनाइट वाला सर्किट कौन सा है, जे वाला, क्लियर। तो वहां पे आपने टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जहां पे इंडक्टर लगा होगा उसको कर देना ओपन, ओपन करने के बाद जहां से आपने आरटीएच फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहां पे जो आरटीएच होगा आपका क्या होगा, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्टेड है भाई, सीरीज में, सीरीज में होने का मतलब 2 4 6 8, तो आरटीएच की वैल्यू आपके पास आ गई 8, एल की वैल्यू कितनी थी 2, तो टॉ किसके बराबर हो जाएगा एल बाई आर टी एच, तो एल की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 8 दैट इज नथिंग बट 1 बाई 4, क्लियर। अब ये सारे का सारा डाटा इस इक्वेशन में रखिए, जरा क्या आ रहा है आपके पास, तो आई एल टी इक्वल टू हो जाएगा आपका आई इनफिनाइट इज 0 माइनस 0 माइनस 3 ए की पावर माइनस टी बाई टॉ, बाई टॉ का मतलब कि ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो माइनस 4 टी लिख सकते हैं हम, तो आई एल टी की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट 3 e की पावर माइनस 4 टी। आप देख सकते हो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ आपने फाइंड आउट किया था यही आंसर आया था आपका, ठीक है। तो इस करंट को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। जैसे कि आई इनफिनाइट पे ये वाला करंट फ्लो होगा ना, जब आपका इंडक्टर क्या होगा शॉर्ट सर्किट, तो ऐसा कुछ करंट आपका फ्लो कर रहा होगा, क्लियर। तो आई टी की वैल्यू यहाँ पे फ्लो कर रही होगी, बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोलैरिटी देखिए अपोजिट होगी, तो माइनस 2 इंटू ये वाला करंट दैट इज 3 e की पावर माइनस 4 टी दैट इज नथिंग बट -6 e की पावर माइनस 4 टी, क्लियर। तो ऐसे हम किसी भी मेथड के साथ कर सकते हैं, ये वाला मेथड जो सेकंड था उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आई जीरो नेगेटिव फाइंड आउट करना है अगर नहीं गिवन तो, क्लियर, नहीं गिवन तो टी लेस देन जीरो के लिए आप सर्किट कंसीडर करना, वहां पे इंडक्टर को शॉर्ट करना, उसके थ्रू कितना करंट होगा वो आपने फाइंड आउट कर लेना है, क्लियर। इसके बाद आई इनफिनाइट के लिए आपने क्या करना है, टी इक्वल टू इनफिनाइट वाला सर्किट कंसीडर करना है, तो वहां पे अगर स्विच ओपन हो रही है तो ओपन कर देना, अगर क्लोज हो रही है तो उसको क्लोज कर देना है, और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करके उसके थ्रू जो करंट होगा दैट इज आई इनफिनाइट।
फिर आपने टॉप फाइंड आउट करना है, टॉप मींस टाइम कांस्टेंट, उसके लिए आपने जहां पे इंडक्टर कनेक्टेड होगा क्लियर, तो उसको ओपन करना, वहां से आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना। अगर सपोज कैपेसिटर होगा तो उसका टाइम कांस्टेंट होगा आरटीएच इनटू सी, तो जहां पे कैपेसिटर लगा होगा उसको ओपन करना है तो उसके थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना क्लियर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जी आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने फाइंड आउट करना है आईटी की वैल्यू कब एस आपकी क्लोज हो रही है टी इक्वल टू जीरो पे क्लियर। कोई भी इनिशियल करंट नहीं गिवन है, इसका मतलब आपको टी लेस देन जीरो के लिए सर्किट कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे टी यूटी लगा है, यूटी क्या है हमें पता है, यूटी की जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू वन होती है फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू जीरो होती है फॉर टी इज लेस देन जीरो क्लियर है भाई, और इसकी वैल्यू वन बाय टू होती है फॉर टी इक्वल टू जीरो क्लियर। मेनली इस वैल्यू को हम यूज करते हैं क्लियर। तो देखिए फॉर टी इज फर्स्ट स्टेप में लिखिए फॉर टी इज लेस देन जीरो, एस क्या रही होगी आपकी ओपन, बिकॉज एट टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज हो रही है, इसका मतलब इससे पहले क्या रही होगी ओपन, तो स्विच को ओपन कीजिए, इंडक्टर को शॉर्ट कीजिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। इस इंडक्टर को आपने शॉर्ट सर्किट कर देना है, तो करंट थ्रू द इंडक्टर इज, देखिए कोई भी सोर्स नहीं कनेक्टेड तो करंट क्या आ जाएगा जीरो एम्पीयर, तो इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर इज जीरो एम्पीयर। अब आपने सर्किट को कंसीडर करना है फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो, उस टाइम पे स्विच आपकी क्या रही होगी क्लोज्ड, ये था वन होम टी। फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए यूटी की वैल्यू हो जाएगी वन, जहां पे टी बचेगा स्विच आपकी हो जाएगी क्लोज, इंडक्टर आपका सर्किट में वापस आ जाएगा क्लियर। देखिए यहां पे डीसी सप्लाई नहीं है तो हमें लाप्लास के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा क्लियर, अगर डीसी सप्लाई होती तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे क्लियर। जो आपका इंडक्टर है उसकी वैल्यू है वन हेनरी क्लियर, तो बस जस्ट अप्लाई केवीएल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टी सपोज दैट इज आई टी प्लस आई टी इंटू वन प्लस एल की वैल्यू वन डी आई टी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ये टी उस साइड चली जाएगी, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सेम स्टेप को आपने फॉलो करना है, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आई का हो जाएगा आई एस प्लस इसका हो जाएगा एस आई एस माइनस आई जीरो नेगेटिव, और टी का क्या हो जाएगा भाई, ये टी है टी यू ऑफ टी का आपके पास होता है टी की पावर सॉरी टी की पावर अगर एन है तो इसका होता है एस की पावर एन प्लस वन एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस वन, तो t की पावर m u of t का होता है आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s की पावर n प्लस वन, तो t का क्या हो जाएगा वन बाय s स्क्वायर क्लियर। तो i j इसकी वैल्यू तो आपके पास जीरो ही है, तो i s कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा s प्लस वन वन बाय s स्क्वायर, तो i s की वैल्यू इज नथिंग बट वन बाय s स्क्वायर s प्लस वन क्लियर। अब इसके लेने पड़ेंगे आपको पार्शियल फ्रैक्शन, अब बताते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं क्लियर। वन बाय एस स्क्वायर एस प्लस वन, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करने हैं, देखिए यहां पे ए बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी वाई एस स्क्वायर, सपोज जहां पे एस की क्यूब होता तो ए वाई एस प्लस बी वाई एस स्क्वायर प्लस सी वाई एस क्यूब, तो वहां पे रुक जाती क्लियर। तो सिमिलरली यहां पे एस की टू टर्म थी ए वाई एस प्लस बी वाई एस स्क्वायर प्लस थर्ड फैक्ट्रीज एस प्लस वन क्लियर। तो सेकेंड स्टेप में आपने इसका एलसीएम लेना है एस स्क्वायर एस प्लस वन, यहां पे एलसीएम क्या होगा
एस स्क्वायर एस प्लस वन, इसके साथ एस है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस प्लस वन, साथ में क्या ए प्लस एस स्क्वायर इसमें है तो एस प्लस वन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सी में एस प्लस वन है तो एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा कैंसल, तो वन इक्वल टू एस एस प्लस वन ए प्लस बी एस प्लस वन प्लस एस स्क्वायर सी। इसके बाद जो आपके ये वाले पोल्स हैं, पोल्स क्या आ रहे हैं, एक फैक्टर की वैल्यू बता दीजिए, एक तो एस की वैल्यू जीरो आ रही है, एक जहां से एस की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन, क्लियर। तो एक बार आप एस की वैल्यू जीरो इस इक्वेशन में रखिए, एक बार माइनस वन रखिए, देखिए क्या मिल रहा है। पहले हम देखते हैं एट एस इज इक्वल टू जीरो, जब एस जीरो रखेंगे ये सारी टर्म जीरो, ये सारी टर्म जीरो, जीरो प्लस वन वन, तो बी की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी वन, क्लियर। एक बार आप रखिए एस इक्वल टू माइनस वन, जब एस इक्वल टू माइनस वन रखेंगे यहां पे देखिए माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, और माइनस वन का स्क्वायर वन, तो यहां पे सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, क्लियर। अब आपको फाइंड आउट करनी है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी उसके लिए आपको फैक्टर कंपेयर करने पड़ेंगे, कंपेयर द फैक्टर ऑफ एस स्क्वायर, इस साइड को ही लिख लेते हैं, कंपेयर द फैक्टर ऑफ एस स्क्वायर, इस साइड कोई एस है नहीं है, एस स्क्वायर है नहीं है, तो जीरो इक्वल टू इसको सॉल्व कीजिए एस स्क्वायर प्लस एस और साथ में ए है, इस सारी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एस स्क्वायर ए प्लस एस ए, एस स्क्वायर के फैक्टर हम कंपेयर कर रहे हैं, एस स्क्वायर का फैक्टर क्या है यहां पे ए, और एस वाला फैक्टर नहीं कंसिडर करना, आपको सिर्फ एस स्क्वायर के साथ देखना, बी में आपके पास मैक्सिमम एस का फैक्टर आएगा उसको नहीं देखना, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर का फैक्टर इज सी, तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है वन, तो दैट इज माइनस वन, जो ए बी सी आए हैं इस इक्वेशन में रखिए आपको फैक्टराइज फॉर्म मिल जाएगी, तो देखिए आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज माइनस वन, माइनस वन बाई एस, बी इज वन सो वन बाई एस स्क्वायर, एंड सी इज वन, वन बाई एस प्लस वन। अब देखिए इसके आपको इंडिविजुअल के लाप्लास इनवर्स पता है, हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसके आप डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से फैक्टराइज करना पड़ता है, क्लियर। तो अब देखिए टेक लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो आई टी का क्या, सॉरी आई एस का हो जाएगा आई टी, वन बाई एस का होता है वन, प्लस वन बाई एस स्क्वायर का अभी देखा था टी, वन बाई एस प्लस वन का होता है ई की पावर माइनस, सो दैट इज योर राइट आंसर, क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ओके इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन, स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू जीरो विद इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0.5 वोल्ट, फाइंड बी नॉट टी फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्लियर, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल्स, ओके। हियर आपको इनिशियल वैल्यूज आपके पास गिवन है 0.5 वोल्ट, तो जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में आप टी लेस देन जीरो के लिए आप सर्किट कंसीडर करते थे, उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो जो सर्किट था आपका टी लेस देन जीरो वाला, उसके ऊपर आपको सिर्फ इनिशियल कंडीशन की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो वो वाला सर्किट कंसीडर करने की जरूरत नहीं, क्लियर। तो आपका जो सर्किट होगा फॉर टी ग्रेटर देन जीरो वाला सर्किट होगा, क्लियर, उस सर्किट के ऊपर आपकी जो स्विच होगी वो क्या हो रही होगी क्लोज, स्विच आपने क्लोज किया है और कैपेसिटर के थ्रू जितनी वोल्टेज है वी नॉट, उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है फॉर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूं इसके अंदर, ऐसे देख सकते हैं इस ये वाली वोल्टेज है बी नॉट, तो यहां पे केसीएल अप्लाई करिए, यहां पे जो वोल्टेज होगी वो बी नॉट ही होगा क्योंकि ओपन सर्किट है ना जी, जी यहां पे बी नॉट, पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहेगा, क्लियर, तो यहां पे वोल्टेज होगा बी नॉट, अप्लाई केसीएल, केसीएल अप्लाई करेंगे इन दिस डायरेक्शन,
b naught sin is positive means negative divided by resistance is 1 plus b naught divided by this resistance 1 by 2 j wala transpose ic hai. That is ic और ये ओपन सर्किट के थ्रू करंट कितना भाई जीरो इक्वल टू जीरो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा b माइनस e की पावर माइनस t प्लस 2v नॉट प्लस ic करंट थ्रू द कैपेसिटर c dvc by dt वेयर dvc इज नथिंग बट b नॉट सो b नॉट क्लियर है भाई और c की वैल्यू आपको 1 फैरेड गिवन है तो c की जगह पे 1 आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो तो यहां पे देखिए ये b नॉट की वैल्यू थी आपके पास 1 और 2 3v नॉट इसको उस साइड लीजिए 3b नॉट प्लस dv नॉट डिवाइड बाय dt इक्वल टू e की पावर माइनस t टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इस इक्वेशन का तो आपके पास क्या सॉल्यूशन मिलेगा 3b नॉट s प्लस इसका हो जाएगा s b नॉट s माइनस b नॉट जीरो नेगेटिव इक्वल टू e की पावर माइनस t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 डिवाइड बाय s प्लस 1 और b नॉट t की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.5 तो इसकी जगह पे हम 0.5 रखेंगे तो आंसर इज 3 b नॉट s प्लस s b नॉट s माइनस 0.5 इक्वल टू 1 बाय s प्लस 1 क्लियर तो यहां से b नॉट कॉमन आ जाएगा b नॉट s कॉमन तो आज बचेगा आपके पास s प्लस 3 और इसको उस साइड ले जाएंगे s प्लस 1 प्लस 0.5 क्लियर है जी तो जहां से b नॉट s की वैल्यू आ जाएगी b नॉट s इज इक्वल टू 1 बाय s प्लस 1 इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड माइनस सॉरी प्लस s प्लस 3 क्लियर है भाई तो यहां पे जब आप इनवर्स लेंगे इसका तो इजीली हो जाएगा लेकिन इस फॉर्म का आप नहीं कर सकते इसके लिए आपको करने पड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना वन डिवाइड बाय एस प्लस वन एस प्लस थ्री जीएस के पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे ए बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाय सेकंड फैक्टर इसके बाद एलसीएम लेंगे ये नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इक्वल टू ए इसके साथ आ जाएगा जे वाला फैक्टर एस प्लस 3 प्लस बी इसके साथ आ जाएगा एस प्लस 1 इसके बाद इसके रूट है माइनस 1 इसका है माइनस 3 तो एक बार s की जगह पे माइनस 1 रखिए माइनस 1 रखेंगे j वाली टर्म हो जाएगी 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 यहां पे रखेंगे माइनस 1 प्लस 3 2 मैं प्रॉपर कर देता हूं माइनस 1 प्लस 3 प्लस b माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0 और यहां पे 2 बचेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 जब एक बार आप s की जगह पे रखिए माइनस 3 या माइनस 3 रखेंगे जे वाला फैक्टर 0 हो जाएगा यहां पे माइनस 3 रखेंगे यहां पे 1 है तो 1 इक्वल टू 0 प्लस b माइनस 3 प्लस 1 तो यहां पे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 यहां पे 1 तो 1 बाय माइनस 2 दैट इज नथिंग बट दिस a की वैल्यू आ गई 1/2 b की वैल्यू आ गई माइनस 1/2 क्लियर तो इन a और b की जगह पे हम j वाली वैल्यू रखेंगे तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म तो देखिए कैसे होगा तो a की जगह पे रखेंगे 1/2 1/s प्लस 1 माइनस इसकी जगह पे माइनस 1/2 ये माइनस आ जाएगा 1/2 बाहर ले लिया आपने s प्लस क्लियर है जी तो यहां पे इस इक्वेशन की जगह पे हम j वाली चीज लिख सकते हैं क्लियर ये चीज आपके पास ऑलरेडी गिवन है तो देखिए b नॉट s किसके इक्वल आ जाएगा b नॉट s इक्वल टू 1/2 1/s प्लस 1 माइनस 1/s प्लस 3 प्लस 0.5 इनटू 1/s प्लस 3 नाउ टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो s ऑफ t आ जाएगा
1 by 2 is nothing but 0.5, इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस t, माइनस 1 by 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इन्वर्स हो जाएगा माइनस e की पावर 3t प्लस 0.5 e की पावर माइनस 3t, आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लियर? तो आपके पास b नॉट t किसके इक्वल बचेगा, b नॉट t इक्वल टू 0.5 e की पावर माइनस t, क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल at t equal to 0 find it for t is greater than or equal to 0 जी आपके पास क्वेश्चन है क्लियर स्विच s आपकी क्लोज हो रही है t equal to 0 पे it की वैल्यू आपने बतानी है for t is greater than or equal to 0 यहां पे स्विच आपका कनेक्टेड है क्लियर सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ओके नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब कोई इनिशियल कंडीशन आपको नहीं गिवन क्वेश्चन में इसका मतलब आपको t less than 0 के लिए सर्किट कंसीडर करना पड़ेगा क्लियर तो देखते हैं एट t less than 0 उस टाइम पे देखो t equal to 0 पे स्विच क्लोज इसके पहले क्या रही होगी ओपन इसके पहले जो आपकी स्विच होगी वो ओपन रही होगी क्लियर ओपन रहने का मतलब ऐसे क्लियर और इंडक्टर स्टेप पे क्या रहा होगा शॉर्ट सर्किट बिकॉज़ t less than 0 वाली कौन सी स्टेट होती है भाई स्टेडी स्टेट तो यहां पे जो करंट होगा दैट इज i0 नेगेटिव उसकी वैल्यू आपने बतानी है क्लियर तो KVL अप्लाई कीजिए जस्ट अप्लाई KVL जब आप KVL अप्लाई करोगे यहां पे देखिए -24 -12 -24 + 36 i0 प्लस 24 i0 इक्वल टू 0 तो इसको सॉल्व कीजिए जी हो जाएगा 36 उस साइड चला जाएगा जी हो जाएगा 40 60 60 i0 नेगेटिव इक्वल टू 36 तो i0 नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइड बाय 60 दैट इज नथिंग बट 0.6 एंपियर तो इनिशियल करंट आपको पता चला इंडक्टर के थ्रू i0 नेगेटिव इक्वल टू i0 6 तो I0 जो नेगेटिव है वही I0 पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज 0.6 क्लियर है जी अब कंसीडर करते हैं सर्किट को फॉर t इज ग्रेटर देन 0 फॉर t इज ग्रेटर देन 0 क्लियर ग्रेटर देन 0 के लिए आपकी स्विच क्या रही होगी क्लोज तो उस केस में स्विच ऐसा आपकी क्लोज रही होगी क्लोज होने का मतलब ये स्विच आपकी हो जाएगी क्लोज और ये वाले जो बैटरी और ये रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा स्विच के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं ये हो जाएगा खत्म तो आपके पास सर्किट सिर्फ यही बचेगा क्लियर तो इस सर्किट में आपने फाइंड आउट करना है आईपी ये सर्किट रह जाएगा आपका क्लियर तो अप्लाई KVL एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ IT सो -12 प्लस 24 इनटू IT यहां पे इंडक्टर आपने लगा देना है उसकी वैल्यू क्या है 2 हेनरी तो L di/dt इक्वल टू से देखिए क्या होगा आपके पास ये 12 उस साइड चला जाएगा 24 IT प्लस 2 dit डिवाइड बाय dt इक्वल टू 12 नाउ टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म और टेक 2 कॉमन और कैंसिल आउट दिस 12 it प्लस dit डिवाइड बाय dt इक्वल टू 6 नाउ टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म 12 is प्लस इसका हो जाएगा s is माइनस i0 नेगेटिव 6 का हो जाएगा 6 by s तो जहां से is कॉमन आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6 इनिशियली करंट आपको पता है 0.6 तो is कॉमन आया अंदर बचा s plus 12 दैट इज इक्वल टू 6 by s plus 0.6 क्लियर है जी तो is की वैल्यू क्या हो जाएगी is इज नथिंग बट
सिक्स वाई एस एस प्लस 12 प्लस 0.6 डिवाइड बाय एस प्लस 12। क्लियर है जी? इसके फैक्टर आप ऑलरेडी जानते हो, दैट इज 1 बाय एस एस प्लस ए इक्वल टू 1 बाय ए 1 बाय एस माइनस 1 बाय एस प्लस ए। तो इसका करेंगे हम 6 डिवाइड बाय ए इज 12 1 बाय फर्स्ट फैक्टर माइनस एस प्लस 12 प्लस 0.6 एस प्लस 12। ये कैंसिल हो जाएगा 1 बाय 2 दैट इज 0.5 1 बाय एस माइनस 1 बाय एस प्लस 12 प्लस 0.6 डिवाइड बाय एस वाई 12। ये आपके पास आ गया आई ऑफ एस। नाउ टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आई ऑफ टी आ जाएगा दैट इज 0.5 1 बाय एस का 1 इसका हो जाएगा ई की पावर माइनस 12 टी प्लस 0.6 ई की पावर माइनस 12 टी इसका जी हो जाएगा। क्लियर है जी? तो IT की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.5 माइनस 0.5 e की पावर माइनस 12 t प्लस 0.6 e की पावर माइनस 12 t माइनस 0.5 और प्लस 0.6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1। तो IT क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 0.1 e की पावर माइनस 12 t। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट होगा आपका? ये आपका ट्रांजिएंट पार्ट है और जी आपका स्टेडी स्टेट पार्ट है। क्लियर है अभी? तो ऐसे इस कंसेप्ट के साथ आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। क्लियर? आपने ज्यादा से ज्यादा गेट और आईईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस के। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? थैंक यू।